नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैलोनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में डिफरेंस, कि गैलोनी सेल और विद्युत अपघटनी में क्या अंतर होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दूसरे के घर नंबर क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करवा दिया था। यदि आप लोग इस सेट का अंसाल पेपर चल रहा है, रसायन विज्ञान अंसाल पेपर सोल्यूशन 2024 का पेपर कोड है 347GA, ये सोल्यूशन चल रहा है। आज वीडियो नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे का घर नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन गैलोनी सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर क्या होता है। तो यदि आप लोग इस सेट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में 1x1 करके आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि गैलोनी सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है गैलोनी सेल और इधर लिखा गया है वैद्युत अपघटनी सेल। पहला नंबर देखते हैं गैलोनी सेल का काम क्या है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, जबकि जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है ये इसका उल्टा काम करता है, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर आप लोग देख रहे हैं, इसमें एनोड ऋण ध्रुव का तथा कैथोड धन ध्रुव का होता है। इसमें जो एनोड होगा वो ऋण ध्रुव का होगा, जबकि कैथोड जो होगा वो धन ध्रुव का होगा। और इसका उल्टा होता है वैद्युत अपघटनी सेल में, इसमें एनोड धन ध्रुव का होता है और कैथोड जो होता है वो ऋण इलेक्ट्रोड या ध्रुव कह सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड भी आप लिख सकते हैं कि इसमें एनोड धन इलेक्ट्रोड तथा कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड का होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। किसमें? गैलोनी सेल में साल्ट ब्रिज लगा होता है। इसमें हम अलग अलग दो सोल्यूशन लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड भी अलग अलग लेते हैं, इसलिए इसमें साल्ट ब्रिज ऊपर लगाते हैं ना, वो साल्ट ब्रिज होता है। इसमें आवश्यकता होती है गैलोनी सेल में, जबकि जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल है इसमें लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही सोल्यूशन में दोनों रॉड एक ही प्रकार के डूबे रहते हैं। अगला डिफरेंस है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगा सेल्फ होगा, अपने आप होगा, जबकि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होती है। चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला है पांचवा नंबर, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विद्युत अपघट के विलयन में डूबे रहते हैं। इसमें जो रॉड होगा इलेक्ट्रोड होगा वो दो भिन्न भिन्न अलग अलग इलेक्ट्रोड भी के विलयन में डूबा रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें एक ही पात्र में एक ही प्रकार के विद्युत अपघट में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, मतलब इसमें सोल्यूशन जो होगा एक ही होगा और दोनों इलेक्ट्रोड उसी में डूबा रहेगा, इसीलिए इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती, इसमें होती है। अगला पॉइंट है, इसमें विद्युत ऊर्जा नहीं देनी पड़ती है। इसमें स्वयं होता विद्युत ऊर्जा, इसमें विद्युत ऊर्जा अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसके लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, इसे विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, दूसरे तीसरे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।